के क्या करेंगे? बैठो बैठो करे झूठ वाला भूत का बताती है। पकाने के लिए तो चाहिए ना, तो सोचा चलो ये जंगल तो इतना घना है, इसमें बहुत सारा लकड़ियां तो मिल जाएगा, ठीक है चलो आज हम इसी जंगल में जाए, घर के आस पास सबको हम काट काट के खत्म कर दिया है। तो गया अंदर, थोड़ा थोड़ा अंदर घुसने लगा, बहुत बेल था, ठीक है वो एकदम बहुत मुश्किल से जा रहा था, फिर आस्ते 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 अंदर गया, ठीक है। तो अंदर में कोई मिला उसको? कोई नहीं था, ठीक है एकदम एकदम सन्नाटा था, कैसा था? सन्नाटा, हाँ एकदम सुनसान, बिल्कुल आवाज नहीं था, ठीक है। तो इसको थोड़ा घबराहट हुआ, किसको? उस आदमी को घबराहट हुआ, उसने सोचा ऋषि ठीक से बैठो आप, आयुष बैठो, तो उसको थोड़ा घबराहट हुआ, तो हाथ थोड़ा कांपने लगा उसका, ठीक है। तो लकड़ी काटना तो है मगर उसका हाथ तो कांप रहा था, तो एकदम कांपने लगा। तो जैसे ही थोड़ा हिम्मत करके दांव निकाला लकड़ी काटने के लिए, जैसा ही दांव बढ़ाया लकड़ी काटने के लिए, पेड़ को छुआ भी नहीं, सिर्फ दांव बढ़ाए के लिए पेड़ जोर से पेड़ का इधर उधर देखने लगा, ठीक है। तो पेड़ बहुत थोड़ा बड़ा भी था, तो फिर से पीछे जैसा ही देखने गया, जैसा ही देखने गया, ये तो देख के तो चक्कर आ गया इसको, एक बड़ा सा भयानक, एकदम उसके लंबे लंबे नाखून, एकदम देख के डर गया। इसके हाथ में तो दांव भी नहीं था ना,
क्या था वो? क्या एकदम भयानक चीज था। ऐसे हिम्मत करके और थोड़ा देखने लगा, और थोड़ा देखने लगा, एक बड़ा देखा तो क्या था? बिल्ली। बालू। बिल्ली बालू पेड़ को हिला रहा था, तो बालू को उड़ा देना। फिर हिम्मत करके दांव को उठाया और बालू को दांव दिखाया, डराया तो बालू बालू क्या हुआ? भाग गया। ठीक है, तो हिम्मत करके फिर अपना दांव को लेके पेड़ को जैसे ही पर डाली मिली काटने लगा, बैठो नीचे काटने लगा, तो थोड़ा बहुत ले लिया, तो चल चलो थोड़ा और आगे चले जाता। थोड़ा आगे गया तो क्या हुआ पता? बहुत ज्यादा ही अंधेरा था, उसको ठीक से दिखाई भी देना बंद हो गया। ठीक है, डर के मारे भी इसका आंख धुंधला हो गया और उसको ठीक से दिखाई भी नहीं देता था, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा तो बना था ना जंगल को। तो और थोड़ा लकड़ी मिल जाएगा तो अच्छा सोचता है, तो लकड़ी काटने के लिए जैसा ही दांव उठाया, ये पेड़ तो बहुत ज्यादा हिलने लगा। ठीक है, और ऊपर से कुछ गीला गीला कुछ गिरने लगा। गलत बात नहीं बोलना, लगा हम बोली कौन कुछ गीला गीला हिलने लगा, पेड़ भी हिलने लगा, इसका तो टाइम टाइम फिश हो गया एकदम। ठीक है, एकदम नीचे बैठ गए, सिर पकड़ गए, बोला ये बाबा ये जंगल तो खतरनाक लगता है, क्यों मेरा सिर खुजाए? तो सोचा नहीं ना, यहाँ पे तो इतना सारा लकड़ी है, चलो हिम्मत करके देख लेते, क्या पता वो वहाँ पे बालू था, ऐसे ही यहाँ पे भी कोई जानवर होगा, ऊपर में भी कोई जानवर, क्या पता सुसु करता होगा। हाँ क्या पता मधुमक्खी का रस गिरता होगा ना, बोला मधुमक्खी का रस वैसे तो खा भी सकेगा बढ़िया से ना। मगर ये बार कोई जानवर था नहीं था, ये बार तो फंस गया, एक भयानक भी नहीं पता, वापस आ गया वो आदमी।